MSG? हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कोरियन मार्ट। यहाँ पे कोरियन डिशेस बनाने के लिए चीजें मिल जाती हैं। टोफू। तो मोज़रेला जो चीज़ होता है वो इटालियन चीज़ है जो कि घर में बनाया जाता है बुफेलो मिल्क से, और हमें दो मार्ट में तो मिला नहीं, अब तीसरे मार्ट में हम लोग जा रहे हैं। इसका नाम है एपिक्योर। एग्जैक्टली क्या मतलब होता है तकबॉकी का? तो ये राइस केक है, कुकी का मतलब फ्राइड। फ्राइड? लेकिन ये फ्राइड तो है नहीं। बढ़ गया वो जो मैं खरीदा था ना, मदर डेयरी फुल क्रीम, वो भी सब बोल दैट इज 33 नाउ, फ्रॉम 28 to 33। हमें यहाँ पे तब तो मिल गया है लेकिन मोज़रेला यहाँ भी नहीं मिला। एक ओमुक नाम का कुछ चीज है, ये डालना बहुत जरूरी है, कोरियन लोगों को बहुत पसंद है ओमुक, लेकिन ये फिश से बनता। आप लोग सोचते होंगे जो ईस्ट एशियन लोग हैं, चाइनीज, जापानीज, कोरियंस, इनके चेहरे पर इतनी चमक क्यों होती है? तो इसका कारण यही है। अच्छा। विदेश लोग आके इस बात पे बहुत हैरान हो जाते हैं। ये रही वो रेसिपी की किताब, इसमें इन्होंने अपने हाथ से चीजें लिखी हुई है, देखिए हांगुल में। ये इनकी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आजकल मैं दिल्ली में हूं और आया हुआ हूं अपनी एक कोरियन फ्रेंड से मिलने, वो दिल्ली में ही रहती है। तो हम लोग साथ में कुछ बनाने वाले हैं, कोई कोरियन डिश, और उसके लिए सबसे पहले जाएंगे कोरियन मार्ट, वहां पे चीज़ें खरीदेंगे, इंग्रेडिएंट्स खरीदेंगे और साथ में बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे सब कुछ बनाते हुए। तो आप लोग बने रहिए, लेकिन अगर आपको हमारा काम, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और देखते रहिए जस्ट एवरीथिंग। यहाँ आए मुझे 4 घंटे के लगभग हो गए हैं। तो आते ही मैं कुछ काम था मुझे लैपटॉप पे, इंटरनेट पे, तो मैं वो काम करने लगा और उसके बाद कॉफ़ी पी, अभी फ्रूट चाय हैं खाने के लिए। आप लोग सोचते होंगे जो ईस्ट एशियन लोग हैं, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस,
इनके चेहरे पर इतनी चमक क्यों होती है? तो इसका कारण यही है, फल हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों को हल्का सा स्टीम कर लेंगे और कच्ची ही सब्जियां खाते हैं ज़्यादातर, तो यही सब है, जीवित कोशिकाएं खाते हैं और इनके चेहरे पर रौनक बनी रहती है। अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं चल रहा हूँ ये फ्रूट्स खाने, इसमें कीवी है, ऑरेंजेस हैं और पपाया है। अभी लंच का टाइम है और हम आ गए हैं किचन में, तो यहाँ पे तक बॉकी बनने की तैयारी हो रही है। ये क्या है सो? तो राइस केक। अच्छा, ये राइस केक है, इसको तक बोलते हैं कोरियन में। और यहाँ पे देखिए, जैसे आपने कहा, मैं हमेशा वेजो करके खाना बनाती हूँ। तो ये मात्राओं का बहुत ख्याल रखती हैं, देखिए कैसे नाप नाप के पानी डाल रही हैं। इसमें क्या है ये? रेड पेपर, चिल्ली पेपर पाउडर। हाँ हाँ हाँ, पाउडर है, मिर्ची पाउडर। और ये? ये प्याज। अच्छा, क्या हरी प्याज। और यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं, अंडे भी पड़ते हैं क्या इसमें? अंडे भी पड़ते हैं। अच्छा, तो अब तक बाकी बनने जा रहा है। ये क्या है? ये कोचुजांग है। मतलब कोचुजांग कोरिया का स्पेशल क्या बोलते हैं, पेस्ट है। पेस्ट, ओके। इससे बनता है, स्पाइसेस होंगे आई थिंक, है ना? कोचुजांग खत्म होने वाला है। ओके, कौन लाया था इसको? आप ही लेके आई थी या फिर मम्मी? कोरिया से लाया, कोरिया से। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और अब इसमें पड़ेगा मसाला, कोचुजांग, उसके बाद वन स्पून पाउडर। सूखे किचन का ड्रार देखिए, कितना सारा इसमें सामान रखा हुआ है बनाने के लिए, भांति भांति के चम्मच और चाकू इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा सू के पास एक वेट मशीन है, इसमें चीज़ों को पहले तोलती हैं, फिर एक टेम्परेचर नापने के लिए मशीन है, फिर एक घड़ी भी है, तो बड़े हिसाब से बनाती हैं ये। इनके पास एक डायरी है, देखिए ये वेट मशीन, तो इस पे चीज़ों को तोलती हैं पहले, कितने ग्राम डालना है, कब डालना है। इसके बाद टेम्परेचर नापने के लिए भी है थर्मोमीटर और घड़ी है, तो इनके पास एक किताब भी है रेसिपी की, है ना? कहाँ है वो रेसिपी किताब? ये रही वो रेसिपी की किताब, इसमें इन्होंने अपने हाथ से चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए हांगुल में। ये इनकी खुद की बनाई हुई रेसिपी है इनकी चीज़ों की। और जब मैं पहले देखता था इनको कुकिंग करते हुए, तो बड़े ध्यान से किताब एक पॉट पे रख के और सारा चीज़ उसमें देख देख के, फिर सारी मशीनरी का प्रयोग करके चीज़ें बनाती हैं। इसमें देखिए छोले भटूरे का भी रेसिपी लिखा हुआ है, कुछ इंग्लिश में, कुछ हांगुल में। और इस तरह से चीजें बहुत तल्लीनता के साथ बनाती हैं ये, बहुत मन लगाकर। इसका मतलब है ना, मुझे कुकिंग नहीं आता। इसका मतलब है आप बहुत मन से, पड़ता है ना? इसका मतलब है आप बहुत मन से कुकिंग करती हैं। हाँ, बहुत शिद्दत के साथ। अगर आता होता तो देखने की क्या जरूरत है? अपनी जो बुक बनाई है उसको नहीं देखोगी? अच्छा, अब ये गर्म पानी में मसाला पक रहा है। ये भी मसाला है कोरियन? क्या है इसमें? कुछ स्पेशल है, कुछ पता नहीं। MSG जानते हैं? MSG ये क्या है? चीनी तो है नहीं, ये शुगर फ्री वाला। चीनी नहीं है तो शुगर फ्री डाल रही हो। इसमें मीठा भी लगना होता है क्या? मीठा लगता है। ओके, स्पेशली किचन में सीजर यूज करते हैं। अच्छा, विदेश लोग आके इस बात पे बहुत हैरान हो जाते हैं। अच्छा, कैंची से काट काट के डालती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ किचन में यूज होता है, दूसरे काम के लिए नहीं यूज करती। अच्छा, स्टेशनरी के लिए? वो अलग है, अलग से सीजन है उसके लिए। इतना इजी है ना? आसान तो है। मैंने ही पहली बार आपको ही देखा था ऐसे काटते हुए, फिर मैं भी अब प्रीफर करता हूँ। अच्छा। जैसे मान लीजिए कॉफी का पैकेट वगैरह फाड़ना हुआ, कुछ भी हुआ, तो बड़ा आसान रहता है, वैसे तो जूझना पड़ता है ना बिना मतलब। और तब डाल देंगे। ओके, तो अभी हल्का सा मसाला पकने के बाद इसमें प्याज डाली गई और तक और अंडे भी डाले जा रहे हैं अभी। एक ओमुक नाम का कुछ चीज है, ये डालना बहुत जरूरी है, कोरियन लोगों को बहुत पसंद है ओमुक, लेकिन ये फिश से बनता है इसने मार्क कर दिया। फिश तो खाएंगे नहीं। अच्छा, इसमें फिश भी पड़ती है ओमुक में?
इसलिए नहीं डाला, मेरे पास तो बहुत सारे अमुक है। ये है बुल्लियत, मतलब ये भी कोई सिरप जैसा है, शुगर मिठास के लिए। ओके, ज्यादा मीठा मत कर देना। ज्यादा मीठा तो मुझे पसंद नहीं है। ये टोपोकी का टेस्ट ही मीठा है, टोपोकी का टेस्ट ही मीठा है। अच्छा, ये राइस से बन, अच्छा ये क्या है, कौन से बन गया? हाँ, कॉर्न। तब इसमें सारी चीजें पड़ चुकी हैं, अभी बस खाली उबालना है। हाँ, बड़ा सिंपल खाना है ना। हाँ, बड़ा सिंपल है, बड़ा हेल्दी है। स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड। अच्छा, हम बचपन में स्कूल खत्म होने के बाद वैसे स्कूल के सामने आंटी जी ये बेचती है, खाते थे। तो बहुत सिंपल है, बहुत हेल्दी है। और अभी इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे ना, इसको ढक देंगे किसी चीज से या फिर ऐसे खुले में पकता है। अच्छा, कितनी देर तक देखना पड़ेगा। ये जो तक सॉफ्ट होने तक। अच्छा, तो जब ये तक हम लोग खरीदते हैं तो फ्रोजन रहता है ठंडा ना, अभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो तब तक पकने देते हैं इसको। तपोकी पहले से मीठा है, मतलब तपोकी खाने का मीनिंग वही है। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका एग्जैक्टली? मीठा भी होना चाहिए। और एग्जैक्टली क्या मतलब होता है तपोकी का? तो ये राइस केक है, पुकी का मतलब फ्राइड। फ्राइड? हां, लेकिन ये फ्राइड तो है। स्टीम्ड है आई गेस, स्टीम्ड कुक्ड। तो यहाँ पे तक वोकी पक रहा है, तब तक सोच रहे हैं जाके हम शावर ले लें। ये देखिए सूखी घड़ी, इन्होंने घड़ी लगाई है। और जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे पहले थोड़ा देर दिमाग लगाना पड़ता है कि कितना बज रहा होगा। हमारा लंच तैयार हो गया है और हम लोग खाने जा रहे हैं। मैंने शावर भी कर लिया है। ये रहा तक वोकी और ये रहा 500 रुपये का पानी। रेस्टोरेंट से लाई हो? कौन सा रेस्टोरेंट गई थी? ये रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट में गई थी। ओके, देखिए यहाँ पे दाम लिखा भी होगा 450। अच्छा, तो इतना महंगा लोग पानी पी रहे हैं, बताइए। अरे। तो हम चल रहे हैं अभी खाने। सॉरी, मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखा सकता। आपको तो का टेक्सचर पसंद है? काफी अच्छा लगता है। चिकनी क्या बोलते हैं हिंदी में? चिपकना। स्टिकी है ना, अजीब सा लगता है ना। तो हम चल रहे हैं अभी खाना एंजॉय करने, तब तक के लिए बाय। बहुत टेस्टी बना है। तो ये बहुत टेस्टी बन गया है, मैं और ले जा रहा हूँ बार बार। उसी ग्रेवी में से कुछ चावल वगैरह डाल के कुछ और बना रही हैं चीज खाने के लिए। अच्छा, सो जो साइकिल रखा हुआ है, अभी भी चलाती हो साइकिल? नहीं चलाती। और ये बाकी जिम का सामान? अच्छा, जिम जाती हो ना आजकल? तो अभी चलोगी जिम? ओके। आप लोगों ने देखा कि सुयन ने कैसे तक वॉकी बनाई और हम लोगों ने साथ में खाया, एंजॉय किया। तो अब ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारा काम, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को दिखाइए और देखते रहिए जस्ट एवरीथिंग।